Hello students, welcome to this presentation. In this presentation we shall be discussing about the learning resources or teaching learning material that is necessary for an inclusive classroom. Now, even in a normal classroom, thonu sabnu pata hai, when we talk of learning resources, we have a number of a teacher needs to use a number of learning resources to make her teaching process more effective. So learning resources are not only the books that teacher concerned. Basically in a normal classroom, yeah, otherwise also teacher usually consult a textbook to teach. So learning resource kalla aur textbook hi nahi hundi. The textbook to ilawa bhi teacher nu apni teaching de vich kafi materials, which can be any kind of PDF files or internet to leya gaya material, devices jive apan kehne projectors, computers, laptops use karne pende ne, ya digital jive Facebook, WhatsApp groups use karne. So you have different learning strategies jive गाने, लिसनिंग टू सोंग्स, दे कैन बी नंबर ऑफ सोंग्स जो थोड़े सब्जेक्ट न रिलेट हो पाते हैं, टॉपिक न रिलेट हो पाते हैं, या गेम्स हैं जिमें सपोज मैनी टाइम्स मैन वी हैव टू टीच अबाउट टीम बिल्डिंग, तो असं गेम्स यूज करते हैं. जोलॉजी विच, साइंस विच, या ईवन जोग्राफी के फील्ड विजिट्स की जाए, या कुछ एक्सरसाइजेस कराई जाते हैं जिमें वर्कशीट्स एंड ऑल. सो ऑल दिस लर्निंग रिसोर्सिस जिस आप बच्चे दिया सारिया सेंसिस यूज करते हैं, एंड दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स मोर ईजीली. सो सानू कॉन्सेप्ट्स ईजीली समझ आते हैं, एंड इसे नाल एट द सेम टाइम टीचर एक फ्लैक्सीबिलिटी भी मिलती है, बिकॉज टीचर के कोई काफ़ी ढंग हो जाते हैं सेम टॉपिक में पढ़ाने लिए. एंड दैन टीचर ये देख सकता है कि इनसाइड द क्लासरूम वाला मैथड वो ज़्यादा इफेक्टिव से या बारला मैथड ज़्यादा इफेक्टिव से. सो अकॉर्डिंगली टीचर को फीडबैक मिलती है टू इंप्रूव हर सेल्फ. सो लर्निंग रिसोर्सिज आर दोज टूल्स विच हैल्प द टीचर टू टीच एंड हैल्प द स्टूडेंट टू लर्न. सो जिस तरह एक अध्यापक पढ़ा सकता है तो एक स्टूडेंट वधिया ढंग नाल सीख सकता है. सो दे आर एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सिज फॉर टीचर फॉर डिवेलपिंग इंकलूसिव क्लासरूम ट्रांजैक्शंस इफेक्टिवली. सो जो टीचर इंकलूसिव क्लासरूम के एक प्रभावशाली ढंग नाल पढ़ाना चाहता है तो टीचिंग लर्निंग मटीरियल वो एक वधिया स्रोत उभर के आते हैं. जिमें कि आप सारों ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं भी एक क्लासरूम के टीचर नॉर्मली जो क्लासरूम है वो अपने को वी हैव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग होंगे बच्चों के. विजुअल है, विजुअल जो बच्चे देख के करते हैं, देख के लर्न करते हैं, ऑडिटरी जो सुन के करते हैं. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रीड एंड लिख के लर्न करते हैं. काइनेस्थेटिक हो गए जो लर्निंग बाय डूइंग. सो जो अपने को इन्नी विलखणता है या इन्नी डायवर्सिटी है सीखने के ढंगों के, तो ऑब्वियसली एज अ टीचर थोड़ू वक् वक् तरह के टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स यूज करने पैदा है. सो उसके लिए नॉर्मली इंकलूसिव क्लासरूम के थोड़े को हाईटेक एंड लोटेक दोनों तरह के लर्निंग सोल्यूशन है जिन्हों तुसी यूज कर सकते हो, जिस दे नाल साडी इनवायरमेंट दे विच मैक्सीमम इंगेजमेंट होवे. इंगेजमेंट का मतलब है कि साडे मैक्सीमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक दूजे नाल रल के पढ़न, या मैक्सीमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपनी टीचिंग दे विच या लर्निंग दे विच पार्टिसिपेट करन. इन्हां रिसोर्सिस नू यूज़ करके थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा वधिया हो जाती है, थोड़ा विशा वधिया ढंग नाल समझ आता है. आप अपन सारिया ज्ञान इंद्रियों का वरतों करते हैं टीचिंग दे विच भी ते लर्निंग दे विच भी. बच्चे क्लास विच वध हिस्सा लेंदे ने, एंड दैन एक विज्ञानक विधि मिलती है किसी भी विषय नू समझाने की. सो थ्रैटिकली समझाने की बजाय असी विज्ञानक ढंग दे नाल उस विषय नू समझा सकते हैं, एंड प्लस हर एक बच्चे की जो विशेष लोड़ है उन्हूं असी पूरा करन दे विच हेल्पफुल हो जाते हैं, एक डायरेक्शन मूव करते हैं. सो इस नाल नॉर्मली जिवें सपोज एग्जाम्पल्स हैं कि जिहड़े बच्चे विजुअली इंपेयर्ड है वो देख नहीं सकते, पर उन्हां दी महसूस करन दी या टच करन दी सेंसर बहुत वधिया हुंदी है, आपां उसकी वरतों कर सकते हैं. उसी तरह अपने कोल एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिन्हों सुनदा ना होवे बट उसनों देखता है, वो लर्न कर सकता है, फील करता है लर्न करके. सो दैन दैट कैन बी यूज. सो नैक्सट जो आप एक थ्रैटिकली या रिसर्च क्यों कहती है कि सानू क्यों एक तरह के टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स की लोड़ है अपनी नॉर्मल क्लासरूम में यूज़ करन दी. सो ये आप ऑलरेडी एक बार टीचिंग एड्स में भी ये पढ़ते हाँ इस रिसर्च दिया फाइंडिंग्स नू कि 11% जो तुसी सुनते हो वो थोड़ा लर्न रहिंदा, बट 83% जो तुसी देखते हो वो थोड़ा लर्न होंदा. सो नो थिंक अबाउट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने विजुअल इंपेयरमेंट है तो हेयरिंग इंपेयरमेंट है, जिस बच्चे दिखता ही नहीं, यदा मतलब 83% तो बच्चा पहला ही मुश्किल दे विच है, क्योंकि नॉर्मली असं 83% ऑफ आर लर्निंग देख के है. उसी तरह जिस बच्चे नहीं सुनता 11% ऑफ योर लर्निंग सुन के है. सो वो बच्चा तो नॉर्मली देन यू कैन यू थिंक कि असं एक क्लास के एक सिंगल टीचिंग लर्निंग मटीरियल के नाल वधिया तरह पढ़ा सकांगे. नो सो थोनू डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की यूज़ करनी पेगी. सो नॉर्मली थोड़ा जो आप नॉर्मल क्लास का टीचिंग प्रोसैस है उस विच असी 83% जो मेरा कंटेंट है वो देख के विजुअली डिपेंड करता हूँ, 11% टीचर हियरिंग दे नाल यूज़ करता है, 3.5% ही है जिथे आप स्मैलिंग यूज़ करते. सो जनरली साइंस दियाँ लैब्स में गैस नू आइडेंटिफाई करने लई स्मैल यूज़ की जाती है,
टचिंग अगेन 1.5% है, जो अगेन साइंस की क्लास में डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स या जब तुम सॉयल टाइप्स पढ़ाने हो उदो आप बच्चे सॉयल टच करवाने, एंड टेस्टिंग ओनली 1% है। टेस्टिंग शायद होम साइंस या टीचिंग दिया सॉरी कुकिंग दिया क्लासेस वाले टीचर ही यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उस टेस्ट एज अ सेंस में अभी बहुत घट यूज़ कर रहे हैं ना। सो यह मतलब एक नॉर्मल क्लासरूम जो सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी वो विजुअली इंपेयर तो हेयरिंग इंपेयर बच्चों आऊ, क्योंकि 83% टीचर की क्लासरूम टीचिंग विजुअल सेंसिज यूज़ हो रही ने। एंड दैन जे बच्चे को विजुअल सेंस ही नहीं है दैन ओबियसली वो बच्चा एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे आ जाएगा। सो यू नीड टू यूज़ वरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सिज। टीचर के टीचर का टीचिंग प्रोसैस है वो ज़्यादा वधिया ढंग ना हो पाता है, एंड दैन जो आप पिक्चर्स या होर विजुअल्स यूज़ करते हैं उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी डिवेलप होंगी है। एंड स्पैशली इन अ इनकलूसिव क्लासरूम सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे साढ़े को डिसेबिलिटी वाले ने, उसके नाल नाल साढ़े को बच्चे डिफरेंट लैंग्वेज से सोशल बैकग्राउंड्स तो भी आ रहे हैं। सो उत्थे अगेन यू नीड टू यूज़ मोर टीचिंग लर्निंग मटीरियल जिस ना तुसी सारे बच्चों इको पद्धर से लैके आ सको। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज द लो हाईटेक एंड लो टेक टेक्नीक्स जो तुसी एजुकेशन से विच यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अगेन द सेम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल विच आर अवेलेबल टू अस जो साढ़े को है जिन्हों के ज़्यादा टेक्नोलॉजी की या टेक्नीक की रिक्वायरमेंट है। दूसरी साइड पर टेबल के चीज़ा ने रिसोर्स हैं जिद लो टेक्नोलॉजी या लो टेक्नीक्स चाहिए। सो टीचर एज अ होल थोड़ा रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तुम इन स्रोतों को पहचानना भी है, आइडेंटिफाई तुम ही करोगे भी असी क्लास कहड़े की वरतों करा, फिर मैप करना किहड़े स्रोत की वरतों कदों की जाएगी उसका एक चित्र बनाना या एक लैसन प्लैन बनाना भी टीचर का ही काम है। फिर इन्हों मेनटेन करके रखना भी ता जो चीज़ एक बार खरीदी खराब ना हो जाए। अगेन दिस इज़ द रोल ऑफ अ टीचर। सैकेंड रोल टीचर प्ले करते हैं कलैक्शन प्लैनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ रिसोर्सिज। मैनी टाइम हो सकता है कि जरा लर्निंग रिसोर्स है थोड़े अपने स्कूल में अवेलेबल ना हो तो थोड़ा कितों कलैक्ट करना पेगा या तैयार करना पेगा। करैक्ट सिलैक्शन ऑफ रिसोर्स सही बच्चे या सही विषय लिए सही स्रोत की चोन करनी, एंड दैन क्रिटिकल रिफलैक्शन अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिसोर्स इस चीज़ में देखना कि सचविच और स्रोत साढ़े विषय के अनुकूल है एंड उसको वरतों करके असं अपने उद्देशों को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। सो एज अ टीचर थोड़ा रोल काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। अज के टाइम में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मेशन इंटरनेट तो भी मिल जाती है। सो इंटरनेट तो भी थोड़े को टॉपिक जिम्मे यूट्यूब के उत्ते अदरवाइज अवेलेबल है बहुत ज़्यादा प्रिंट जिम्मे आप भी यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ ई ज्ञानकोश का प्रिंट मटीरियल है ऑन इनकलूसिव एजुकेशन। सो इस तरह टीचर कैन यूज़ दीज रिसोर्सिज ऑलसो। इफ यू हैव टू क्रिएट योर ओन लर्निंग रिसोर्सिज जो तुम अपने सीखने स्रोत खुद बनाने हैं उस समय कि गल्ला थोड़ा ध्यान में रखने की लड़ है। कोई भी टीचिंग एड सिर्फ विजुअल या पिक्चर्स का नहीं होना चाहिए क्योंकि जे तुसी नो टीचिंग एड शुड ओनली हैव विजुअल्स एंड पिक्चर्स। थोड़े लिए जरूरी है कि उस पिक्चर्स के नाल तुसी उसकी रिटन लैंगुएज जरूर लिखो जिवें असी नॉर्मली थोनू अपने लैसन प्लान में भी रहिंदे सी। सिर्फ फोटो चिपका देना इज़ नॉट सफिशेंट, थोनू उहदा कैप्शन देना भी जरूरी है। सो हमेशा हर फोटो की एक्सप्लेनेटरी रिटन लैंगुएज में होना जरूरी है। लैंगुएज टीचिंग एड के जी यूज़ की जाए वो कंप्लीट सेंटेंस होने चाहिए ने रादर दैन आइसोलेटेड वर्ड। सो टुटवें शब्द नहीं लिखने, पूरा सेंटेंस लिखना। लैंगुएज वो होनी चाहिए जी बच्चों के फैमिलियर हो। सपोज जिमें नॉर्मली इट कैन बी कि मदर लैंगुएज के चार्ट बना लो जो तुम क्लास में मदर लैंगुएज घट यूज़ कर रहे हो, या ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स कैन बी रिटन ऑन इन द चार्ट सो दैट बच्चे वो चीज़ा समझ आ। यूज टेक्टाइल मटीरियल जो थोड़ी क्लास विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं तो कोशिश करो कि जो टीचिंग लर्निंग मटीरियल हो उस टच वाली सेंस में यूज़ किया जाए। विजुअल इनफॉर्मेशन इज मोर सपोर्टिव इन लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स विद हियरिंग इंपेयरमेंट। सो विजुअली चार्ट्स जो उन्होंने बच्चों की ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जिन्होंने नहीं सुनता। बट दैट डजेंट मीन कि टीचिंग लर्निंग मटीरियल यूजिंग ऑडिटरी इनफॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज़। इसका मतलब यह नहीं है कि जिद साउंड है जिमें आप कोई वीडियो साउंड प्ले कर रहे हैं वो सॉरी ऑडियो साउंड प्ले कर रहे हैं वो यूजलैस है। इट कैन बी यूज फॉर दोज पीपल हू आर ऑडिटरी ओरिएंटेड जो सुन के सीखते हैं उन्होंने वरतों की जा सकती है। एक थोड़ा फोकस होना चाहिए कि एबस्ट्रैक्ट कॉन्सैप्ट प्रजेंट करो जिमें फॉर एग्जाम्पल द स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टॉटवाइज है उस जस्ट टू पिक्चर्स ऑफ टू एनिमल्स विल नॉट हेल्प। थोड़ा उस पिक्चर में एक्सप्लेन करना पूरी जिम्मे कॉन्सैप्ट लाइक रनिंग रेस फ्रॉम दिस ट्री टिल दैट टेंपल यदा की मतलब है क्योंकि अ चाइल्ड कैन नॉट इमेजिन कि ट्री कितने सेगा टेंपल कितने से। सो जिहड़ा थोड़ा जिवें नॉर्मली थोड़ा भी असं कहने जो तुम कछू तो खरगोश कहानी पिक्चर्स के पोर्ट्रे करना तो आप एवें पोर्ट्रे नहीं बनाना जो चार्ट आप मार्केट मिलता है कछू एक खरगोश है
ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਚੁਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਐਕਚੁਅਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਚਾਰਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜੂਅਲ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਡ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਿੰਗ, ਵਿਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਡਨੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਡਸ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਓਵਰ ਯੂਸ ਜਾਂ ਅਬਿਊਸ ਨਾ ਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਚਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਲਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ 'ਤੇ ਓਵਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਲੈਸਨ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈਏ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਚਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸਿੰਪਲ ਪਿਕਚਰਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸੋਰੀ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟੂ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਰੀਡਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਲਈ ਨੋਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਠ ਆਦਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ ਵਟ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈਜ਼ ਡਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਰਡਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ, ਦ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹਰ ਫਿੰਗਰ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੀਅਰ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਈ ਯੂਨੈਸਫ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਵੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਫਰੋਮ ਬੈਂਗਲੋਰ ਓਨਲੀ, ਅ ਸਕੂਲ ਇਨ ਬੈਂਗਲੋਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗੇਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਥਰੂ ਦੀਜ਼ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਵੈਲਪ। ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਇੰਡਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਕੰਕਰੀਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੈਥਡ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਕਰੀਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆ ਗਏ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਟਾਈਮ, ਸਪੇਸ, ਡਸਟ, ਸੋਇਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਮੂਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਲੈ ਆਏ, ਪਲਾਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਟ, ਪੋਸਟਰ, ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡਸ, ਮਾਡਲਸ, ਇਹ ਸਭ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਟੂਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੈਮਰਾ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰਸ, ਦੀਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਮ ਅੰਡਰ ਕੰਕਰੀਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਯੋਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬੁੱਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਮੈਨੂਅਲਸ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ, ਪੋਸਟਰਸ, ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ, ਪਿਕਚਰਸ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਕਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਏ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਵਿਦ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਔਰ ਪਲੇਇੰਗ ਐਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਤਬਲਾ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਉਣਾ, ਡਾਂਸ, ਡਰਾਮਾ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨੇਚਰ ਵਾਕ, ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ। ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੀਚਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਗਾਰਡਨਿੰਗ, ਗੇਮਸ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ, ਡਰਾਇੰਗ, ਓਰਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਮਸ਼ਰਸ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗਾਈਡਿਡ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਗਾਈਡਿਡ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਮੋਡਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਂਡ ਵੈਬ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡੀ ਰੋਮਸ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਈ ਗਿਆਨ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ NTPEL ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਸਨਸ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਸ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਆਲ ਬਿਕਮ ਅੰਡਰ ਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਫੋਰ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਸਿਸਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਥਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੂਅਲੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਟੋਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ PDF ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਰੀਡ ਅਲਾਊਟ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਸਡ, ਜੋਮੈਟਰੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਸਡ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵਿਜੂਅਲੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਵਿੱਚ ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੈਲਟ ਪੈੱਨ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੂਲਡ ਨੋਟਬੁੱਕ ਫਰੇਮਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਕੈਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਫਾਇਰਸ ਜਿਵੇਂ CCTV ਕੈਮਰਾਸ, ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਇਸ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੂਅਲ ਏਡਸ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਸੈਸ ਟੂ ਸਪੀਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜਿਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਡਿੰਗ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੈ, ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰੀ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਮਾਰਕਰਸ, ਵਾਈਟ ਬੋਰਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨਾਲੋਂ। ਸੈਰੀਬਲ ਪਾਲਸੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਗ੍ਰਿਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰਨੀਚਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵੋਕ ਕਰਚਸ, ਵੀਲਚੇਅਰਸ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼, ਆਗਮੈਂਟਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਥਰੂ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅਪ ਇਨ ਦੀ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਟੀਚਰ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਪੀਅਰ ਜਾਂ ਬੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਨੀਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਫੋਰ ਦੀਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਡੈਫ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਲਾਇੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਡੈਫ ਬਲਾਇੰਡਨੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਡੈਫ ਐਂਡ ਬਲਾਇੰਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਵ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੈਟਿੰਗਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈ ਡੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੀਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਟਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੋਨਸੈਪਟਸ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਝੇਦਾਰ ਕੋਨਸੈਪਟਸ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੋਨਸੈਪਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਟ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏਗਾ ਤਾਂ ਥਿੰਗਸ ਬਿਕਮ ਈਜ਼ੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਐਂਡ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਵਧੀਆ, ਟੋਪਿਕ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਲ ਨੋਟ ਵਰਕ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਇਸਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਓਨਲੀ ਸ਼ੋ ਅ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਟੂ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਥੀਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਏਜ ਆਫ ਦੀ ਲਰਨਰ। ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਬਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ। ਸੋ ਇਹ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ, ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਂ ਮੈਂ। ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਜੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ।
देयर शुड बी समथिंग कि वो चार्ट मेरे लेसन नू वधावे, ये नहीं कि बस मुंह दिखाउण लई जां फोटो लाउण लई दो नंबरां लई असीं चार्ट यूज कर रहे हां। नो, विल द सेम सर्व द लर्निंग परपज ऑफ ऑल चिल्ड्रन, कि सारे बच्चे मेरी क्लास दे उस टीचिंग लर्निंग मटीरियल नाल पढ़ सकनगे? जे हाँ तो किवें, जे नहीं तो फिर ऑल्टरनेटिव की है? ये थोनों सोचना पेगा किस बच्चे नू इस तो फायदा होएगा, कि मेरा टीचिंग लर्निंग मटीरियल समाजिक ते सभ्याचारक जो पहलू है उन्हां लई सेंसिटिव है, इन द सेंस कि मेरे टीचिंग लर्निंग, जे मैं आपां कहूँ कि आपां टीचिंग लर्निंग मटीरियल भी इंग्लिश च ही बना लिया, मैं भी इंग्लिश च ही पढ़ाना, तो फिर जिहड़े पंजाबी वाले बच्चे हैं उन्हां नू किवें हैल्प होएगी? सो इफ आई एम टीचिंग इन इंग्लिश या मेरा कंटेंट इंग्लिश विच है, तो दैन यू कैन डू वन थिंग कि तुसीं अपने चार्ट दे उत्ते जो टर्म्स हैं उन्होंने पंजाबी च ट्रांसलेट करो। इनू आपां कहिंदे सोशल आस्पैक्ट ध्यान में रखा गया। सो की तुहाडे चार्ट विच या टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स तुसीं इस चीज़ में ध्यान रखा, उस कुछ एवें का तो नहीं है जो बच्चों शरीरक या मेंटली मानसिक तौर पर डिस्टर्ब कर दूगा, कोई अपशब्द ना वरत्या गया होवे, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी नू नीवा ना दिखाया गया होवे, ये तुसीं ध्यान रखना है। सीखने प्रक्रिया की किस पड़ा ते तुसीं इस स्रोत की वरतों करोगे थोनू पता होना चाहिए। विल आई जस्ट यूज इट फॉर डिस्प्ले, कि मैं सिर्फ इसनों टेबल मतलब कान पर चिपका दूंगी सिर्फ डिस्प्ले हो, या मैं इस नाल कुछ करके भी दिखाना है? बच्चे ग्रुप विच मेरे को आके देखेंगे या हर बच्चे मैं इंडिविजुअली दिखाऊंगी व्यक्तिगत तौर पर दिखाऊँ? दैन अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली व्यक्तिगत तौर पर दिखाना तो चार्ट छोटा हो सकता है या टीचिंग लर्निंग मटीरियल का फॉन्ट छोटा हो सकता है, बट जे तुसीं पूरी क्लास में एको टाइम दिखाना तो सारे दिखने के योग्य होना चाहिए। किन्ने समय लिए वरत्या जाएगा या किन्नी वार वरत्या जाएगा, इस दे नाल कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो जाएगी बच्चों? एंड कि मैं फ्यूचर लिए भी उन्होंने बचा के रखना है, तो ऑब्वियसली फिर थोड़ी वो थोड़ी जी क्वालिटी वधिया बनानी पेगी। एंड जे बाई चांस मेरा इस स्रोत कास्ट में काम नहीं आता तो इसका दूसरा विकल्प मेरे को की है? सो 10 क्वेश्चन है थोड़ा अपने मन में जो भी कदम कोई तुम सीखने स्रोत की वरतों करनी है जरूर पूछो, ये आंसर ही थोड़ा दसनगे कि वह स्रोत सही है या वर्तन योग है या नहीं। सो अगेन वेन एंड हाउ टू यूज़ लर्निंग रिसोर्सिस, कदों तो कितने यूज़ करना है, ये टेबल थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट विषयों में वरतिया जाने वाली टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स बारे दसेगा, एंड प्लस ये भी एग्जाम्पल देगा कि तुम उस किसते कदों वरत सकते हो। सो वॉट यू कैन डू इज़ तुम अपने टीचिंग सबजैक्ट के मुताबिक यू कैन ये कुछ शब्द तुम चूज़ कर सकते हो आंसर के लिखने लिए, एंड उस नाल की होएगा कि दिस विल मेक योर आंसर एंड ईवन योर कॉन्सैप्ट मोर क्लीयर। नाउ दिस इज़ एन एग्जाम्पल जिदे विच आपां यूनिवर्सल डिजाइन सोल्यूशन एक्चुअली इज़ अ कॉन्सैप्ट जो आपां टीचिंग लैसन प्लैनिंग विच करांगे कि किस तरह का डिजाइन बनाना जो सर्वव्यापी होवे, जो हर बच्चे नू समझ आवे, उस दे विच तुसी किवें सीखन स्रोतों की वरतों करते हो उसकी एक एग्जाम्पल है, उसकी उदाहरण है। जिवें इहदे विच एक टेबल बनाया होया, प्लैनिंग टेबल है ये, हले टीचर ने पहला प्लैन किया कि मेरी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी की होगी, मैं प्रिंटेड लर्निंग मटीरियल यूज़ करूँगी, कुछ बच्चों उस की मुश्किल आ सकती ने, उन्होंने वोकैबलरी हो सकता ना समझ आए, वो हो सकता कि क्योंकि जो थोड़ी बुक होंगी है छोटे साइज प्रिंट होंगी है कुछ बच्चों वो ना दिखे एंड बच्चे उसनों सही अर्थ ना दे सकन, फिर थोड़े को सोल्यूशनज है। सो इन्होंने दसिया कि जिम्मे सपोज एक्सप्रैशन की करोगे, जे औखे शब्द होंगे वो विजुअली जिमें ब्लैकबोर्ड पर लिख के तो बोल के दसे जाएंगे, सो दैट बच्चे उसनों समझ सकन, एंड उस तो बाद सिंपल डेफिनेशन पिक्चर्स या सिंबल्स वरते जाएंगे। एंगेजमेंट लिए आप कर रहे हैं दूजिया सेंसेस यूज़ करा जिमें जेस्चर्स, हम जिम्मे सपोज इन्होंने वर्ड की एग्जाम्पल दी है फ्लाइंग, तो मैं फ्लाई हाथ नाल करके दिखा सकती हूँ या कोई फ्लाइंग टॉय यूज़ कर सकती हूँ, ऑडियो बुक्स यूज़ की जा सकती हैं, कंप्यूटर्स यूज़ किया जा सकता है, ये भी हो सकता है कि जे मेरे को कुछ नहीं है तो वो नाल दा साथी शब्द नूं उच्चा बोल के बच्चे नूं समझा दे। सो ये टीचर ने प्लैनिंग की है कि मैं अपने कंटेंट नूं किस तरह पढ़ाना है। उसे तरह जिमें सपोज जो पूरी क्लास में प्रजेंटेशन देनी है तो की मैं मुश्किल आनगी है एंड तुम उन्होंने किमें सुलझाओगे, ये प्लैनिंग है टीचर ने की हुई है। एंड जो तुम देखो इस विच टीचर ने एक नहीं एक दो तीन चार विकल्प हर विषय लिए या हर कॉन्सैप्ट रखे हुए हैं। सो यूल रीड दिस चार्ट एंड दैन अकॉर्डिंगली टीचर फिर इन्होंने अपनी क्लास में यूज़ कर दें। द नैक्सट टॉपिक इन दिस इज अबाउट डिवेलपिंग रिसोर्स सेंटर्स और रिसोर्स कॉर्नर्स दैट वी विल कवर इन आर नैक्सट प्रजेंटेशन। थैंक यू।